हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाहिद यूनिक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी सी कुकीज़ बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। बहुत ही यम्मी हमारी डिश बनकर रेडी होगी, बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और सभी को बेहद पसंद आने वाली है। आपका जब भी थोड़ा सा मीठा खाने का मन करे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कुकीज़ रेडी होंगी। चलिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 2 कप मैदा। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, आप चाहें तो ले सकते हैं 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा, या 2 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैदा लिया। यहाँ पे साथ ही मैंने घर पर जो नारियल होता है मैंने उसको मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया था, 1/2 कप वो है। 3 कप सूजी है, मैंने भून ली है सूजी को और मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। और हम 2 चम्मच अब डाल देंगे इसमें खसखस, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद वाला तिल, इसे भी आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप घी, यहाँ पे देसी घी ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। और आप इसको चेक करेंगे, देखेंगे अगर ये मुट्ठी बन रहा है, ये बंध रहा है, इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट है ये। इसी समय हम इसे शक्कर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर को पीस लिया था, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम डाल देंगे 2 कप मैदे में 1 कप शक्कर, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं होता कम भी नहीं होता, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेजरमेंट बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से और हम इसे बाइंड करेंगे दूध से। मैंने 1 कप ग्लास से थोड़ा सा कम दूध लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। हमें इसका आटा गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए डो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, तो हमें सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसको, बस ये देखिए मिक्स हो गया 1 मिनट में। ये देखिए इसको अच्छे से हाथों से ऐसे दबाते हुए जैसे हम लोग आटा लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। इसको अच्छे से 2 से 3 बार ज़रूर करिएगा और फिर इसको रख देंगे हम 1/2 घंटे के लिए। हमारा आटा 1/2 घंटे में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको साइड पर रख देते हैं। ये देखिए हमारा आटा 1/2 घंटे में अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स में, इसे हमें इसे बेलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें इसको, क्योंकि ज़्यादा ना पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये टूट रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो गया है। इसको इस तरह से हम लोग गोल कर लेंगे दबाते हुए, जैसे रोटी बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। इसको बेलने के बाद हमें इसे कट करना है। इसको ये देखिए हमें, मैं इसे बेल कर आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही देखिए हल्के हाथों से इसे बेलिए, बहुत ही सॉफ्ट आटा है, बहुत ही अच्छे से ये बेल जाएगा। अब हम इसे कुकी कटर से काट सकते हैं, यह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो मैं आपको यहाँ से ग्लास से ही कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी जो मोटाई होगी वो इतनी होगी, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। आप अपने मन चाहे शेप से काट कर सकते हैं, ज़रूर इसे कट करिए अपनी मनचाहे शेप में। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कट हो जाता है, ग्लास से भी कटोरी से भी अच्छे से कट होता है। ये देखिए इतना मोटा हमें रखना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कुकी रेडी होने वाली है। इस तरह से हम सारी तैयार कर लेते हैं और जो ये बचा हुआ हमारा डो है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, इसको साइड में रख लेते हैं, बाद में इसको मिक्स कर लेंगे एक साथ। ऑयल हमें गर्म कर लेना है कुकी फ्राई करने के लिए। ऑयल को हमेशा धीरे आँच पर ही गर्म करेंगे और ज़्यादा तेज़ हमें गर्म नहीं करना है, हल्का सा ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर हम लोग पकाएंगे, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल ना पकाइएगा वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और धीरे धीरे एकदम खस्ता ही रेडी होंगी, एकदम खस्ता खस्ता टिक्किया जो होती है। ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई एक तरफ से, इनको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आ गया है और ये बिल्कुल रेडी भी हो चुकी है। ये देखिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसमें शक्कर है, अभी और पकेगा ये रखने के बाद भी, तो आप हल्की से कलर आने पर ही इसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हुई हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग इसे टिक्किया भी बोलते हैं, मीठी मीठी टिक्किया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।